अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मेहरान अली और आप लोग देख रहे हैं मलिक कार चैनल। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही यूनिक गाड़ियां आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि दोनों 1984 मॉडल है और दोनों कंपनी से ऑटोमेटिक है। और दोस्तों इसमें जो है ये लेफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ी है और वो वाली जो है ये राइट हैंड ड्राइव की गाड़ी है। तो दोस्तों दोनों की कंडीशन मैं अंदर बाहर से दिखाऊँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये लेफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ी की फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बम्पर भी बिल्कुल ठीक ठाक है, लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल इसके साफ़ सुथरे हैं। अभी ये लेफ़्ट साइड से भी आप इस गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं। दोस्तों ये गाड़ी बाहर से तकरीबन 95% अपनी ओरिजिनल कलर में है, बाकी इसमें थोड़ी बहुत कलम जो है वो मौजूद है। ये डोर्स की कंडीशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और लश कंडीशन में है। ये बैक साइड से भी आप गाड़ी का कंडीशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों बैक साइड से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल फिट फाट है इसके, कहीं से भी टूटे हुए नहीं है। बम्पर भी इसका बिल्कुल जो है वो न्यू लगा हुआ है इसमें। और दोस्तों ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसके ओरिजिनल और कम्प्लीट है। ये राइट साइड का लुक भी आप लोगों के सामने है, राइट साइड से भी गाड़ी साफ़ सुथरी है, कोई इसमें स्क्रैचेज और डेंट वेंट वगैरह और रशेज वगैरह नहीं है। डोर्स की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं, डोर्स से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। फ्रंट फेंडर भी इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा है। दोस्तों ये टायर की कंडीशन इसकी तकरीबन 70% है। अभी इस गाड़ी का इंटीरियर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों ये कंपनी से लेफ्ट हैंड ड्राइव है और ऑटोमेटिक भी है, तो आप लोग इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है दोस्तों इंटीरियर से, अगर इसकी मॉडल को देखा जाए और इसकी इंटीरियर को देखा जाए तो ये काफ़ी खूबसूरत और लश कंडीशन में है इसका इंटीरियर। और दोस्तों ये दो कलरों पे मुश्तमिल है इसका इंटीरियर, एक इसमें क्रीम कलर का इंटीरियर है और एक ब्लैक कलर का। दोस्तों ये मीटर से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, स्टेयरिंग व्हील का कंडीशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये कंपनी से ऑटोमेटिक है, ये गियर जो है वो इसका ऑटोमेटिक है, यानी कि ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक है। बाकी ओवरऑल इंटीरियर से गाड़ी जो है वो टोटली अपनी जेन्युइन हालत में है। ये स्विच बोर्ड की कंडीशन भी काफ़ी बेहतरीन है इसका, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल न्यू स्विच बोर्ड जैसा स्विच बोर्ड है इसका। सीट्स की कंडीशन भी काफ़ी बेहतरीन है इसका, बिल्कुल न्यू सीट्स लगे हुए हैं इसमें। अभी इस गाड़ी का मैं आप लोगों को इंजन रूम भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसका इंजन रूम भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसका इंजन रूम ऐसा है जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी का इंजन रूम होता है, आप लोग ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। कहीं से भी इसका कलर ना तो ख़राब हुआ है, ना इसमें कोई जंग वगैरह लगा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन इंजन रूम है इसका और टोटली अपनी जेन्युइन हालत में है। और दोस्तों इसमें इंजन जो है वो 16 वेलियो का इंजन लगा हुआ है दोस्तों, और ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे चालू है। एसी भी इसका जो है वो चिल कंडीशन में है और इसका 1500 सीसी का इंजन लगा हुआ है इसमें। दोस्तों ओवरऑल जो गाड़ी का कंडीशन है वो बिल्कुल न्यू गाड़ी जैसी कंडीशन है इस गाड़ी की। तो दोस्तों आखिर में इस गाड़ी का जो ऑनर डिमांड है वो 13.5 लाख रुपये है, बाकी इसमें थोड़ी सी कमी बेची हो सकती है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। अभी मैं आप लोगों को ये दूसरी गाड़ी भी दिखाऊंगा जो कि राइट हैंड ड्राइव है। तो बैक साइड से आप लोग इस गाड़ी का कंडीशन चेक कर सकते हैं। बैक साइड से गाड़ी काफ़ी खूबसूरत कंडीशन में है, लाइट्स वगैरह की कंडीशन भी साफ़ सुथरा है इसका, बम्पर भी इसका बिल्कुल फिट फाट है। और ये राइट साइड से आप इसकी बॉडी की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये गाड़ी भी तकरीबन बाहर से 90-95% अपनी ओरिजिनल कलर में, बाकी इसमें थोड़ी बहुत टचिंग यानी माइनर सा टचिंग इसमें मौजूद है। बाकी गाड़ी का फ्रंट लुक भी आप लोग देख सकते हैं, इसका बॉनट जो है वो खुला हुआ है। दोस्तों ये हेडलाइट्स की कंडीशन भी काफ़ी बेहतरीन है इसका, साफ़ सुथरे हेडलाइट्स है इसके, बम्पर भी इसका जो है वो भी बिल्कुल न्यू पेंट हो चुका है और कोई कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। ये लेफ़्ट साइड से भी आप गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी गाड़ी में कोई डेंट पेंट और स्क्रैचेस वगैरह नहीं है और गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है। दोस्तों अगर बैक साइड्स की बात की जाए तो बैक साइड से भी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है ये गाड़ी। अभी इस गाड़ी का इंटीरियर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टायर की कंडीशन भी तकरीबन इसकी 70% है।
तो दोस्तों आप लोग इस गाड़ी का इंटीरियर भी देख सकते हैं। इंटीरियर से ये गाड़ी भी टोटली अपनी जेन्युइन हालत में है। और दोस्तों ये राइट हैंड ड्राइव है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका स्विच बोर्ड का कंडीशन जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा स्विच बोर्ड है इसका। ये मीटर भी इसका नीट एंड क्लीन मीटर है और बिल्कुल फिट फाट है। गियर जो है वो इसका ऑटोमेटिक है दोस्तों, ये कंपनी से ऑटोमेटिक गियर है इसका। इस गाड़ी की वीडियो मैंने एक बार पहले भी अपलोड की थी। और दोस्तों इंटीरियर से गाड़ी काफ़ी लश कंडीशन में, सीट्स वगैरह की कंडीशन भी काफ़ी बेहतरीन है इसका। दोस्तों इसी ऐसी गाड़ियाँ आपको बहुत ही कम मिलेगी। दोस्तों अभी इस गाड़ी का मैं आप लोगों को इंजन रूम भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस गाड़ी का इंजन रूम भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस गाड़ी का इंजन रूम भी काफ़ी हद तक बेहतरीन कंडीशन में है दोस्तों। इसमें भी ना कोई जंग वगैरह है और ना ही कोई इसमें डेंट पेंट का काम हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और दोस्तों इसका इंजन जो है वो 1200 सीसी का है और 12 वैल्यू इंजन है इसका। और दोस्तों ये सिर्फ पेट्रोल पे चालू है। एसी भी इसका जो है वो भी चिल कंडीशन में है और इंजन रूम से टोटली अपनी जेन्युइन हालत में है। तो दोस्तों आखिर में इस गाड़ी का जो ऑनर डिमांड है वो तकरीबन 11 लाख रुपए, बाकी इसमें थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। दोस्तों अगर आपको इसी तरह की एंटीक गाड़ियां चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की एंटीक गाड़ियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी गाड़ियाँ मौजूद है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कर ले, 0333-909-00-973-33-90-90-097। अल्लाह हाफिज़।